आपका स्वागत है तो चैनल चौपाती पर। मेरा नाम है पबियन, वेलकम बैक टू द रोब्लॉक्स की बहुत ही खतरनाक वाली दुनिया। और आज मैं फाइनली ब्लॉक्स फ्रूट खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं समझ गया, तो मैं जितने भी वीडियोस की कमेंट सेक्शन नीचे जाके चेक करता हूँ ना, तो मोस्टली कमेंट्स अपनी यही होती है, चौपाती भाई प्लीज रोब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स फ्रूट ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गेम है। और अगर मैं ऑनेस्टली बात बताऊं तो मैंने अभी ये गेम शुरू की थी थोड़ा बहुत टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हर एक गेम शुरुआत करने से पहले ना मैं थोड़ा बहुत चेक कर रहा था कि गेम के मैकेनिक कैसे हैं, क्या करना पड़ता है। तो मेरे को जैसे मैंने गेम लोड की, मेरे को बहुत ज्यादा बेसिक लगी। मैंने कहा छी ये क्या है यार, लेकिन जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा तो मेरे को समझ में लग गया कि भाई भाई ये गेम एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया। और मैंने जब वार यहाँ पर चेस पड़ा हुआ है, रुको फटाफट जाके खोलते हैं यार। लीजिए चश्मे से मेरे को मिलते हैं 276 कॉइन्स। और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ ना तो टोटल मेरे पास आ चुके हैं 419 कॉइन। यो पे डबल जब भी मार सकता हूँ, व्हाट। बट एनीवेज गाइस, यार है मेरा छोटा सा गांव, और मैंने जब लास्ट बार गेम चला के देखी थी ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक आइलैंड बना हुआ है, मेरे वहां पर सामने एक आइलैंड बना हुआ है, वहां पर आइलैंड 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 आइलैंड, भाई बहुत सारी जगह यहाँ पर एक्सप्लोर करने की। तो जब मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर जगह बहुत सारी एक्सप्लोर करने की, तभी मैंने जो है गेम बंद कर दी। मेरे को समझ में आ गया था कि इस गेम के अंदर जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और मैं किसी भी चीज को मिस नहीं करना चाहता। मेरे को सारे मजे करने हैं आप लोगों के साथ। और आप लोगों से गाइस एक रिक्वेस्ट है, नीचे मैंने सब्सक्राइब बटन देकर रखा हुआ है, फटाफट जाके उसको लाल है उसको दबा के घुसुंड मार के ग्रे कर दो। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज नीचे जाके आपने एक लाइक करना है। ओके, तो ये रहा गाइस मेरी गेम। फिलहाल मेरे पास 419 कॉइन आ चुके हैं, मैं हूँ लेवल 1 पे। तो मैं फंडा समझ गया हूँ कि गेम के अंदर ना मेरे को लेवल आगे तक लेके जाना है। और मैंने अभी नोटिस किया कि मैं डबल जंप मार सकता हूँ, विच इज सुपर एपिक। क्या मैं डबल जंप मार के इसके ऊपर खड़ा हो सकता हूँ क्या? अरे लेट्स गो भाई, मैं तुम लोगों को बचा रहा हूँ यार कि डबल जंप जैसी चीज ना हर एक गेम के अंदर होनी चाहिए, पबजी के अंदर, फ्री फायर के अंदर, GTA के अंदर। बट एनीवेज गाइस, यहाँ पर एक सरजी खड़ी हुई है पक्खे के पास, पक्खा तो चल नहीं रहा लेकिन फिर भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये देंगे मेरे को क्वेस्ट। ये क्या लिखा यहाँ पर, कंट्रोल प्लस क्यू, अगर मैं दबाकर, व्हाट, यो भाई यहाँ पर स्पेशल पावरें भी है भाई, मेरे को पता भी नहीं था, मैन दिस इज एपिक। और अगर मैं 1 दबाकर देखू तो मैं आता हूँ कॉम्बैट जोन के अंदर, मतलब कि PvP मोड के अंदर भाई, खतरनाक है। तो अगर मैं यहाँ पर Z दबा के देखू तो शिट, खतरनाक है यार। तो काम करते हैं कॉम्बैट मोड ऑफ कर लेते हैं, और सबसे पहले मेरे को भैया जी से बात करनी है। क्लिक टू इंटरैक्ट। हेलो सर जी, कैसे हो? प्लीज सेलेक्ट द क्वेस्ट, बैंडिट या नेवर माइंड। ये नेवर माइंड कौन सी? अच्छा, नेवर माइंड से बंद हो जाता है, ठीक है। तो नेवर माइंड के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना। तो अगर मैं फिर से इंटरैक्ट करके देखूं तो मेरे को बैंडिट वाली क्वेस्ट सेलेक्ट करनी है। ओके, लेवल रिक्वायर्ड 0। ओके, तो या मैं लेवल 1 पे हूँ तो मैं एक्चुअली कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन, डिफीट 5 बैंडिट्स, रिवॉर्ड 350 एंड एक्सपीरियंस मेरे को मिलेगा 300। कंफर्म, क्वेस्ट एक्सेप्टेड। ओके, तो मेरे को ना यहाँ पर इन लोगों ने छोटा सा एक मिशन देकर रखा हुआ है, जाना ये पीछे कैसे करते हैं। ओके, हो गया। तो मिशन कुछ ज्यादा ही सिंपल है। हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पे छोटे, व्हाट गाइस, मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अब ये क्या टेलीपोर्टिंग। अच्छा, ये मेरा घर है। हैंग ऑन अ सेकंड, यहाँ पर एक और चेस्ट पड़ा हुआ है, लेट्स गो। अगर मैं ये वाला खोल के देखूं तो इसी के साथ गाइस मेरे को मिलते हैं एक और 332 कॉइंस। अरे एक और चेस्ट पड़ा हुआ है, नाइस भाई, फ्री के पैसे आ रहे हैं। तो गाइस इसको हम बिल्कुल भी कभी मना नहीं करते, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ और बटन्स भी लगे हुए हैं, अगर मैं ये वाला दबा के देखूँ ना तो ये आई डोंट नो गाइस ये क्या है, मेरे को नहीं पता। तो आपने मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी गेम सिखानी है, और इसकी और वीडियोस भी डेफिनेटली आएंगी। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओके, और ये मेरा क्रू है, हाउ टू मेक अ लोगो, मतलब मैं अपनी पूरी आर्मी बना सकता हूँ यहाँ पर, लेट्स गो। ओके, तो आई थिंक ये वो जगह है जहाँ पर मेरे को जाके बैंडिट्स वगैरह मारने पड़ेंगे। हेलो, शिट 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 शिट, हे अपने लेवल के बंदे दे ना भाई, मैं फिलहाल लेवल 1 पे हूँ, ये नुबरा लेवल 5 पे है भाई, ये मेरा कचूमर बना देंगे यार। ये देखो इसके अंदर से तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं। हेलो जज, हे रुक तेरी भैंस की आंख, ये ले अपनी भी तो खाना, ये ले अपर कट, लोअर कट एंड हडजुकन। हाय, मैंने तो एक ही बार बंदे को धुआं कर दिया। हेलो मेरी जान, अभी तेरी बारी, तो तू फिर से आ गया, मैंने तेरे को अभी मारा हुआ था लेकिन तू फिर से। ओके भाई, मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका हूँ यहाँ पर। ये भाग के कहाँ जा रहा है? अच्छा, मैंने इसको इतनी तेज घुसुंड मारी, ये वहां से यहाँ पर आ गया। लेट्स गो, काम कर दे गाइस, अभी मेरे को दो दो बंदों को एक साथ मारना, क्या मैं कर सकता हूँ? आई डोंट नो, तो तू भी आ जा। तो दो बंदों के साथ गाइस अभी फाइट हो रही है, मैन यो, तू भी आ, तीन दिन पहले को गाइस मैं एक ही बार में मारूंगा यार, लेट्स गो।
कमॉन, ये तीन तीन बंदे, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीन बंदे मिलके मेरे को ही मार रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं होगा मैन। भाई मैंने तो एकदम से गेम की बैंड बजा दी। भाई मैं ऑलरेडी लेवल 5 पर आ चुका हूँ, लेट्स गो। और आई थिंक अभी मेरे को सिर्फ ना एक बंदा और मारना, तो आखिरी वाला गुस्सा अभी मैं तेरे ऊपर ही उतारूंगा। मर जा भाई, दो बारी मार खा चुका है, समझ नहीं आती तार की तेरे को। और इसी के साथ ही गाइस मेरे पास आ चुके हैं 1645 coins, लेट्स गो। तो इसकी क्वेस्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, और अगर मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो मेरे को एक और क्वेस्ट दे रहा है। यही करना है क्या इसके साथ क्वेस्ट? अच्छा मैंने फिर से एक्सेप्ट कर ली, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। अभी मेरे पास नया फंड आ चुका है, तो मेरे को ना अभी प्लान बनाना है, मेरे को पांचों को एक ही बार ने मारना है। आई डोंट नो इफ दैट्स पॉसिबल, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। आ जाओ नुबड़ो, तुम लोगों ने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया यहाँ पर। अब इनके ऊपर पावर मारता हूँ, यो खतरनाक है यार ये पावर। अच्छा रिफिल हो रही है, रुको रुको मुझे ना लाइक इसकी हेल्प। अरे यार मेरे को ना तीनों को एक ही पावर से मारना था वो पचैक करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, एक काम करते हैं अभी ना इसके बाद मेरे को दो बंदे और मारने। तो सर जी आइए मैदान में आइए, ये पीछे क्यों खड़े हो? आप भी आइए सर जी, आप भी आइए, एंड एक सर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आप भी आइए, मुझे तीनों को ना एक ही बार में मारना है। कम ऑन लाइन में आइए, लाइन में आइए, क्या कर रहे हो ये लाइन। यू मैन रुजिए, मेरी पावर रिफिल होने दे, फिर तुमको बताता हूँ मैं। और यहाँ पर लेवल 20 पर ना मेरा एक और जो एबिलिटी है वो अनलॉक होने वाली है, लेट्स गो। ओ भाई क्या मारे इन लोगों ने मेरे को, टैक। भाई यार लेवल अप करना तो कुछ ज्यादा ही इजी है यार, मैं ऑलरेडी लेवल 8 पर आ चुका हूँ मैन, लेट्स गो। और अगर मैं मेन्यू के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके देखूँ तो मैं अपने स्टैट्स चेक कर सकता हूँ। वे व्हाट, रुको पहले मेरे को सबसे पहले अपना डिफेंस चेक करना है, नॉट डिफेंस अपना कॉम्बैट चेक करना है। अगर मैं इसको एक घुसा मारूं तो मेरे को मिल रहा है 3, मेरा डैमेज कर रहा है 3, लाइक जनरली मेरा डैमेज हो रहा है 3 में, ठीक है। तो अगर मैं अपने सारे स्टैट्स अपने मीले में लगाऊं, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास है 13 पॉइंट्स। तो काम करते हैं 15 पॉइंट्स यहाँ पर लगाता हूँ। शॉट गन और ब्लॉक स्पोर्ट ये तो मेरे पास अभी फिलहाल है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स लगा लेता हूँ एंड लेट्स गो। तो अगर मैं अब भी अपना पंच टेस्ट कुछ वो एक्चुअली हो रहा है, तो मेरा आई थिंक वो क्रिटिकल था 9 और अभी आ चुका है मेरा क्रिटिकल 13। तो सो फार प्रोग्रेशन हम मस्त लेवल के कर रहे हैं। या अभी मेरा क्रिटिकल हो चुका है 14। ब्रो दिस इज एपिक, ये ले तेरी पैंस की, तेरे को तो पानी में फेंकूंगा मैं। अरे तो ये सर जी मेरे को बार बार जो है एक ही क्वेस्ट देना है भाई, कोई नई आइटम देना भाई, क्या कर रहा है? तो यार प्लीज सेलेक्ट ए क्वेस्ट, भाई तेरी क्वेस्ट एक ही है। नेवर माइंड, तो काम करते हैं, अगर मैं ऑप्शंस के अंदर जाके देखूँ ना आइटम्स के अंदर, तो आई थिंक ये वाली चीज़ें जो है मैंने फिलहाल अभी जो है अनलॉक भी नहीं की। क्लोज के अंदर ये मेन्यू बंद हो जाएगा, शॉप के अंदर जाके देखो तो ले देखो अभी आ रही है अपनी खतरनाक वाली चीज़ जो। और ऑब्वियसली गाइस ये चीज़ें ना मेरे को रोब्लॉक्स के जो रोबक्स होते हैं आई बिलीव मेरे को वो खर्च के लेनी पड़ेंगी। तो ये देखो 15 मिनट का बूस्ट मेरे को 25 रोबक्स से मिल रहा है, फ्रैगमेंट मेरे को 75 रोबक्स से मिल रहे हैं, और मैं एक्चुअली पैसे भी बाय कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख कॉइन्स चाहिए, तो मेरे को उसका खर्चा आएगा 1499 रोबक्स। यार 5 लाख कॉइन्स अगर मेरे पास आ गए ना तो मैं यहाँ का गेम का एकदम से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन है कौन सा, अच्छा ये भी लेवल 5 के हैं, तो मेरे को लगा था कि ये गुंडे में वाली थोड़े बहुत ज्यादा खड़े हैं यहाँ पर, तो इनका लेवल थोड़ा बहुत अप होना चाहिए। यार ये बता मेरे को बार बार एक ही क्वेस्ट दे रहा है भाई, कोई नई आइटम देना यार, मैं तेरी क्वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पर। एक बार एक मैं फिर से करके देखूँ ना, डिफीट 5 बैंडिट्स, लेट्स गो। तो काम करते हैं यहाँ पर 5-6 खड़े हुए हैं, तो मैं फटाफट से जाकर इनको मार के आता हूँ, मेरे को 2 सेकंड देना। सर जी आप मैदान में आइए, आप भी आइए, इस बारे में 5 को एक ही बार में लेके जाऊंगा, 5 को, 5 की मौत आने वाली है, लेट्स गो। आप भी आइए, एंड जो आप यहाँ पर खड़े हैं आप भी मैदान में आइए, लेट्स गो। तो लीजिए 5 भाई आ जा चुके हैं मेरे सामने, लेट्स गो। दिस इज एपिक, यो भाई साहब मेरा लेवल देख रहे हो, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैंने लिटरली अभी गेम स्टार्ट करके रखी हुई है, मेरा लेवल 9 पर आ चुका है। और मेरे स्टैट्स गाइस, मैं अपने सारे स्टैट्स जो है फिलहाल मीले के ऊपर लगा रहा हूँ, आई डोंट नो कि ये सही काम है कि नहीं है, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और वन सेकंड ना मेरे को आप लोगों ने पूरी गेम सिखानी है, और मैंने अभी नोटिस किया कि सामने एक और चेस भी आ चुका है। और मौसम के बारे में बात करें तो भाई
क्या मस्त जगह बना कर रखी है लोगों ने यार। एक बार फिर से गाइस 330 कॉइंस मेरी जेब के अंदर आ चुकी हैं, टोटल 3000 कॉइंस मेरे पास आ चुके हैं शॉप। यो यो यो, ये कुछ ना कुछ तो देगा मेरे को यार। ओके, आई सर्च द वर्ल्ड फॉर ब्लॉक्स फ्रूट, व्हेन आई फाइंड वन आई विल पुट इट इन माय स्टॉक हियर फॉर यू टू बाय, अदरवाइज यू कैन टेक योर चांसेस एट फाइंडिंग वन अक्रॉस द ओशन। बाइंग अ न्यू फ्रूट विल डायरेक्टली रिप्लेस योर एग्जिस्टिंग वन। अच्छा, मतलब एक ही बार में एक ही फ्रूट कैरी कर सकता हूँ। Purchasing a fruit with the Roblox will allow you to swap for it. Okay, ठीक है, समझ गया। तो ये बंदा यहाँ पे फ्रूट बेच रहा है 5000। यो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। स्पिन वाला आता है 7500 का, ये चौप आ रहा है 30000 का। भाई इसके ऊपर लिटरली छुरियां लगी हुई हैं। और ये देखो, ये आउट ऑफ स्टॉक है, बॉम्ब वाला आउट ऑफ स्टॉक है। तो सबसे मैं नीचे जाके देखू ना, यो माई गॉड, ये मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन आप लोग जो एनिमे वगैरह देखते होंगे तो आई बिलीव उससे कुछ ना कुछ लिंक होगा इसका। तो अगर मैं बाय करने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बाय करता हूं, तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है मैन। तो पहले वाला फ्रूट था गाइस 5000 का, तो मैं ऑलरेडी 3000 पर तो आ चुका हूं। ये मेरे को अभी फिलहाल नहीं लेना, ठीक है। तो एक काम करता हूं, अगर फटाफट ये चोमू लोगों को 5-6 मुक्के मार के आऊँ ना, तो मेरे पास पैसे बढ़ जाने चाहिए। सर जी आइए, आप भी आइए, आप भी यहाँ पर आइए, मुझे आपसे पैसे कमाने हैं, प्लस पैसों के साथ साथ मुझे आप लोगों से एक्सपीरियंस लेना है, लेट्स गो। एंड साथ साथ आपसे मुझको स्टैट्स लेने हैं। मेरे को पैसे तो मिले नहीं, क्रैप, मैं भूल गया था कि पैसे लेने के लिए मुझे मिशन करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को मिशन करने का कोई शौक नहीं है। तो यार, वो बंदा यहाँ पर फ्रूट बेच रहा है, और ये कौन है, क्लिक हियर टू इंटरैक्ट, वुड यू लाइक टू सेट योर होम पॉइंट हियर। तो ये बेसिकली गाइज मैंने अभी ना, आई बिलीव मैंने यहाँ पर अपना स्पॉन पॉइंट जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है यार। हैंग ऑन अ सेकंड, ये फ्रूट डीलर, ये सॉर्ट डीलर। ए, फ्री में कुछ देना भाई प्लीज मेरे को। ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स कुछ कटाना। ओ भाई, ये मिल गई ना, और वो भी 1000 की। यो, मैंने बाय कर ली, लेट्स गो। रुकियो, मुझे कटाना टेस्ट करनी है। तो अगर मैं ये मार के देखूं, ओ माय गॉड, ये सेम डैमेज हो रहा है कटाना से भी। उपेस किया यार, कटाना से भी सेम डैमेज हो रहा है यार। मेरे को लगा था कि फट 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 करके ना मैं उनकी बैंड बजा दूंगा, लेकिन यार डैमेज एकदम से सेम हो रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ऑब्वियसली मैं जैसे जैसे गेम के अंदर आगे बढ़ता रहूंगा ना, तो मेरे को मस्त मस्त वाली चीजें मिलती रहेंगी। ये कट ग्लास क्या है, ए बिगिनर्स वेपन आइडेंटिकल स्किल्स। ओके, सही है, मेरे को कट ग्लास नहीं चाहिए। तो बेसिकली बोल रहा है कि कट ग्लास एंड कटाना की स्किल्स जो डैमेज वगैरह है सब एक ही जैसा है। और अगर मैं आयरन के ऊपर देखूँ तो बहुत सारे पंटर लोग खड़े हैं यार, सारे मेरे को मिशन से दे रहे हैं। Would you like to change your item to? नहीं, मेरे को अभी फिलहाल मरीन नहीं बनना, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि पायरेट्स बनने में ना एक्स्ट्रा फायदे हैं, और आप बाउंटी वगैरह क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली आप एक्स्ट्रा मिशंस जो हैं पायरेट गिरी में कर सकते हो, तो पायरेट गिरी में एक्चुअली ज़्यादा मुनाफा है। तो काम करते गाइस, यहाँ पर चलते हैं, यह है बोट डीलर। और अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो पानी में गिर गया यार, ये किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर खड़ा एक और बोट डीलर, एंड लग्जरी बोट डीलर, लीजिए सस्ते काम तो गाइस हमने करे भी नहीं है ना बिल्कुल। सिलेक्ट गेम पास बोट टू परचेज इट। ओके, मैं लूंगा फ्री वाली। यू डोंट ओन अ गेम पास, ले। अरे यार, मैं फ्री वाली भी मैंने क्लिक करके रखा हुआ था मैन, कम ऑन यार। ओके, ये आ रही है 1000 कॉइंस की, तो एक काम करता मैं ये वाली ले लेता हूँ। अच्छा, मेरे को गेम पास कैसे मिलता, आई डोंट नो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूँ तो सिलेक्ट अ बोट टू परचेज इट, डिंगी ले, चलो कोई। अरे यार, कहाँ GTA 5 की सुपर यॉटें और कहाँ ये डिंगियाँ मेरे को इन लोगों ने देख रखी है मैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। तो गाइस, मेरा आयरन देख रहे हो पीछे कितना मस्त लग रहा है यार, एकदम सुपर क्यूट। और मैंने ऑब्वियसली उस बंदे से जो है अपनी होम की लोकेशन सेलेक्ट करके रखी हुई है। तो आई बिलीव अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वे सीधा मेरे को अपने आयरन के ऊपर लेके जाएगा। बट एनी वेज, अभी हम जा रहे हैं एकदम से ब्रांड न्यू आयरन के ऊपर, और मेरे को ऑलरेडी सामने चेस्ट दिख रहा है मैन, लेट्स गो। और मैंने एक बात नोटिस की यार, मैंने जब देखा था ना कि 3 बिलियन पीपल ने इस गेम को विजिट करके रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार। मे बी इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो मैप बहुत बड़ा है, या तो कोई खेल नहीं रहा। बट एनीवेज गाइस, ये रहा एकदम से ब्रांड न्यू आइलैंड, भाई बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है यार, एकदम पुराने जमाने वाली वाइब मेरे को यहाँ पर आ रही है। ये छोटा सा बाजार भी इन लोगों ने बना कर रखा हुआ है, और वेपन्स डीलर, कम ऑन देन, ये मेरे को क्या देगा, विच गन वुड यू लाइक टू परचेज। भाई AWM देना मेरे को, मस्कट मेरे को लेनी है, मस्कट मतलब कि स्नाइपर। अच्छा, 8000 की है मैन, वन शॉट राइफल थी यार वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है। तो अगर मैं गुलेल लेके देखो, कुछ गुलेल, नेवर माइंड, ये आखिरी वाली कितने की है,
10,000 की मैन। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। जैसे मैंने बताया ना कि मैं पहली बार ये गेम खेल रहा हूँ, तो मेरे को समझने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, और मेरे को पता है कुछ ही दिनों के अंदर ना हम एकदम से गेम को मास्टर कर लेंगे। और ऊपर चेस पड़ा हुआ, रुको मेरे को लेना है। अरे कैसे लेती है? अरे अच्छा सीढ़ियां लगी हुई हैं, मैं भी यहाँ पर ना चोमू वाले काम कर रहा हूँ। इट्स ओके इट्स ओके। एंड फटाक से, अरे वो लेवल 100 है उसका भाई। अगर मैं आइटम्स के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक सॉर्ड आ चुकी है। अगर मैं स्टैट्स के ऊपर क्लिक करके देखूँ तो यार डिफेंस में थोड़ा बहुत अपना इंक्रीज कर लेता हूँ। भाई उसका लेवल 100 है ब्रो, कम ऑन देन। अभी तूने पंगा तो मेरे साथ ले लिया है, और अभी पंगा ले लिया तो हम भी पूरा जो है तेरे को नंगा करके जाएंगे ना। बस एक बार फिर से सामने तेरे को बताता हूँ मैं। ऑब्वियसली गाइस उसका टाउन है, तो वो मेरे को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो चुका है। वेरी वेलकमिंग था यू नो। आ गया कुछ ना कुछ तो हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ, मेरे को आवाज आ रही है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। क्या मैं इससे पंगा ले सकता हूँ क्या? आजा, ये ले कोर ले। ओह द प्लेयर डाइड डायरेक्टली, यू कांट। ये मेरे से भाग रहा है वही, रुक तो सही ना भाई। आई थिंक ये मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता भाई। क्या पावर है उसके पास यार, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार। मेरे को भी चीजें करनी है लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं नए आइलैंड के ऊपर आ चुका हूँ, तो एक काम करते हैं ये आइलैंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे को पता करना कि एक्चुअली यहाँ पे क्या मिल सकता है। तो ऑब्वियसली गाइस नए आइलैंड के, हर एक आइलैंड के ना अपने अपने पर्क्स होने चाहिए, तो मेरे को वो चेकआउट करने है। नहीं सेम ही है यार, 5,000 का रॉकेट ले रहा है यार। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास नीली 5,000 कॉइंस थे। आई थिंक मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऑब्वियसली गलत वाले आइलैंड के ऊपर आ चुका हूँ। ये आइलैंड कुछ ज्यादा ही प्रो अपने लिए, और है सेकंड एक्सपीरियंस कैप्टन, ये मेरे को कुछ ना कुछ नया मिशन देगा। लेट्स गो एंड टॉक, कीप इट मूविंग। साला नुबड़ा बंदा, क्या यार मेरे को लगा था कि कोई ना कोई मिशन मेरे को देगा यार। मैं तो यहाँ पर सिर्फ चेस्ट से लूट रहा हूँ यार, बंदे को मारने की हैसियत अपनी है ही नहीं। और भाई क्या आइलैंड है सामने भाई साहब। एक काम करते हैं, सामने थोड़ा बहुत जंगल टाइप आइलैंड बना हुआ है बिल्कुल अपने लेवल का, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वहीं पर जाया जाए और मेरी बोट ले। अब ये मत बोलना कि तुम लोग मेरी बोट ही मार गए यार, व्हाट द हेल। अरे चोरी चिकारी मत कर यार, यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार, आसमान से बिजलियाँ मार रहे हो यार, ऐसी पावर है मेरे को भी चाहिए मैन, व्हाट द हेल। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मुझे मजबूरन वहाँ पर तैर के जाना पड़ेगा। और मैंने अभी नोटिस किया कि मैं लिटरली ना बोट से ज़्यादा फास्ट तैर के जा रहा हूँ। सही है यार, सही है। और मैंने अभी नोटिस एक और बात की कि भाई कई कई लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा ओपी पावरें हैं, बहुत ज़्यादा ओपी पावरें हैं। मैं तो ऑब्वियसली फिलहाल लेवल 5 पे हूँ, तो गाइज मेरा मेन फंडा यही होगा कि मेरे को ना आगे जाके फटाफट से ना अपनी हेल्थ इंक्रीज करनी है। हैंग ऑन अ सेकंड, क्लिक हियर टू इंटरैक्ट, वुड यू लाइक टू सेट योर पॉइंट हियर। ठीक है, मैं फिलहाल अपना होम आइलैंड चेंज करके ना यहाँ पर आ रहा हूँ, तो अब से मेरा होम आइलैंड ये हो गया। मतलब कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम ये वाला बटन दबाता हूँ तो मैं यहीं पर आ जाऊँगा। और भाई साहब यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं ब्रो। तो ये है जंगल आइलैंड, होली क्रैप, यहाँ पर बंदर। वे यो भाई हेलो, पैगो बंदर को बोलूं क्या? ये ले भाई, उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई है भाई, मैं कसम से बता रहा हूं ये मेरे को मार देगा। अरे मैंने इसको मार दिया, नाइस। तो इसका मतलब ये है कि मैं लेवल 14 तक के बंदों के साथ पंगा ले सकता हूं। तो काम करते गाइस, मैंने जो तलवार लेकर रखी हुई ना, मैं ये भी फटाफट से अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल लेता हूँ। और यहाँ पर खतरा कुछ ज्यादा ही, आप देख सकते हो ना चारों तरफ बंदर ही बंदर है। हाँ मेरी जान, ये ले। मैंने इतना खतरनाक लेवल का उसके ऊपर शॉट मारा ना, इसने मेरे को आती हुई भी नहीं देखा, आती हुई भी। ओके मैं समझ गया, मैंने एक और बात अभी नोटिस की। मैंने जब सुबह बता कर रखा था ना लाइक वीडियो की शुरुआत में कि मेरा जो कटाना का जो डैमेज है वो बर्न ले रहा, मेरे को अभी समझ में आया कि मैंने सॉर्ड के ऊपर तो कुछ लगाया भी नहीं। तो एक काम करते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स है ना मैं फिलहाल सॉर्ड के ऊपर लगा लेता हूँ। तो सॉर्ड मेरे को आई थिंक दे रही थी 3 पॉइंट्स का डैमेज, और अगर मैं अभी चेकआउट करूं तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए। अटैक, लेट्स गो, अभी आ चुका 9। क्या बात है, ये ले भाई, मस्त गेम है यार। मेरा लेवल कितना, लेवल 11 था भाई। मेरा इस वीडियो का टारगेट था ना, मेरे को ना लेवल 20 तक एटलीस्ट इसको लेके आना है, और तभी मेरे को लगेगा कि कोई ना कोई जो है यहाँ पे फिलहाल गेम के अंदर प्रोग्रेशन चल रही है। और ये क्या है, रिकमेंडेड क्वेस्ट,
फाइंड द एनपीसी एट जंगल 23 मीटर्स अवे. ओ मेरे को एक्चुअली बता रहा है कि मेरे को किससे क्वेस्ट लेनी है. ओ इंटरेस्टिंग. आई सेल रैंडम फिजिक. ओके ठीक है, तो ये फ्रूट बेच रहे हैं, यू डू नॉट. ओके सही है यार, फ्रूट खरीदने के लिए मेरे को लेवल 50 चाहिए, समझ रहे हो ना, लेवल 50. तो मेरे को इस बंदे से बात करनी है. हेलो मेरी जान, कैस है, प्लीज सेलेक्ट ए क्वेस्ट. मंकी, गोरिल्ला, गोरिल्ला किंग एंड नेवर माइंड. काम करते गाइस, मेरे को आई थिंक ये बोलेगा कि 10 मंकी मारने हैं. ओके नॉट 10 मंकी, 6 मंकीज मारने हैं. मैंने दो तो ऐसे ही मार दिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाइस इज ओके. लेवल 10 रिक्वायर्ड और मैं ऑलरेडी लेवल 10 पे हूँ, और इससे मेरे को मिलेंगे 800 पॉइंट्स. और ऑब्वियसली गाइस मैं गोरिल्ला को भी मारने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले अपने जो स्किल्स मैंने थोड़े बहुत जमा करके रखे हुए हैं ना, पहले जो थोड़े बहुत स्किल्स मैंने अपने जो जमा करके रखे हुए हैं ना, ये मेरे को बंदरों के ऊपर टेस्ट करने हैं. टैक्स ये ले. और मेरे को ये जानना है कि यार वो खतरनाक वाले जो बड़े बड़े अटैक्स है ना, वो कैसे करते हैं यार. ब्रो अगर मैं वो सीख गया ना, तो भाई लेजर बता रहा हूँ, इन लोगों की बैंड बजने वाली है. कोई बंदा मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, कोई बंदा. और मेरी हेल्थ भी रीजन हो रही है. ओके रीजन इसलिए हो रही है कि ये बंदा मेरी बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है मेरे को. भाई एक घूसे में मेरी नो हेल्थ लेके जा रहा है. सबर कर भाई, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तू तो सर पे चढ़ रहा है यार ये वाला बंदर. तो इसी के साथ गाइस लेवल अप. नाइस काम करते हैं गाइस, मैं सोर्ड का उपयोग कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, और मैं आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ. मेरे पास कॉम्बैट की स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने हाथ यूज करता हूँ. हाथ से आई थिंक जल्दी मर जाएगा ये. और नेक्स्ट टाइम गाइस मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मेरे को स्टैट्स के स्किल्स जो मिलते हैं ना, नंबर जो मिलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सारे अपने वेपन्स के ऊपर लगाते हैं. आई डोंट नो क्या ये सही होगा या गलत होगा, मैं इसका डिसीजन जो है फिलहाल ले नहीं पा रहा. देखा मैंने कैसे टेलीपोर्ट किया तेरे अंदर से, तूने देखा भी नहीं मेरे को. कितने मारने मेरे को, आई थिंक 6 मारने थे, और यहाँ पर दिखा कर रखा है कि 4 मैंने मार दिया. और हैंग ऑन अ सेकंड, मैं ऊपर जा सकता हूँ. अच्छा सारे रास्ते मेरे को एक ही जगह पर लेके जा रहे हैं. हाँ हाँ मेरी जान, कैसा है भाई साहब. आई थिंक ये पावर इंक्रीज करने के लिए आई थिंक मेरे को इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ब्लॉक्स फ्रूट के ऊपर. आई एम नॉट श्योर, मैं फिलहाल श्योर नहीं हूँ. ऑब्वियसली गाइस मैंने गेम अभी शुरू किया, तो मैं समझ रहा हूँ इस गेम को, यू नो. और आपने मेरा मैंने पूरी हेल्प करनी है, एंड इसी के साथ अपना फाइनल बंदर जाएगा. कम ऑन देन ब्रो, ये ले भाई. क्या भोंपू बज रहे हैं क्वेस्ट कंप्लीट करने पर. और मेरे को और स्टैट्स मिले, मेरा डैमेज, मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ जा रही. तो काम करते हैं, थोड़ा बहुत अपना डिफेंस भी इंक्रीज कर लेते हैं, एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बहुत मेरे को अपनी सोर्ड की पावर भी जो है इंक्रीज करनी है. एंड लेट्स गो, मेरे पूरे स्टार्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए. भाई क्या मार रहा है यार वो. कोई बात नहीं, हम भी उस लेवल तक पहुँच जाएंगे. ओके अभी आ रहा है गोरिल्ला, तो गोरिल्ला मेरे को मारने 8. ओ भाई ये मेरे को ज़्यादा खतरनाक लग रहा है यार. अभी मेरे को ये पता करना कि गोरिल्ला लोग हैं कहाँ पर. ये तो बंदर लोग हैं, गोरिल्लास कहाँ पर हैं भाई. मुझे उस बंदे की फाइटिंग देखनी है भाई. क्या मार रहा है भाई, यहाँ तक मेरे को आवाज आ रही है. ये रहा भाई, कहीं अपना सारा गुस्सा मेरे पर ना उतार दे ये. आई थिंक गोरिल्लास मारने के लिए प्रॉबेबली मेरे को दूसरे वाले आइलैंड के ऊपर जाना पड़ सकता है. तो काम करते हैं फटाफट से गाइस, डबल जंप का उपयोग करते हैं एंड फट से निकलते हैं दूसरे वाले आइलैंड के ऊपर. ओ ये गोरिल्ला किंग लग रहा है मेरे को. हाँ सर जी, तेरे से भी पंगा नहीं लेते. एंड ये देखो लेवल 20 का. ओ माय गॉड, ठंड रखो ये. कम ऑन मेरे को, होली क्रैप. अच्छा ये मार रहा है. हेलो सर जी. हाँ शीट भाई, सबर सर जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बख्श दो. माय गॉड भाई, उसने क्या पावरें मारी. मैं बता रहा हूँ तुम लोगों ने देखा यार, उसने एक ही बार में पूरा ट्री करा दिया. Come on then. मैं लेवल 15 पर आ चुका हूँ. मैं भी थोड़ा बहुत ठीक कर लूँ, ठीक है. उस लेवल तक मैं फिलहाल पहुंचा नहीं, बट मैं थोड़ी बहुत प्रोग्रेशन जो है यहाँ पर चल रही है यार. तेरी तो बताता हूँ तेरे को मैं. आई थिंक मेरे कॉम्बैट लेवल जो है, मेरे कॉम्बैट स्किल्स बहुत ज्यादा वीक है. लिटरली मेरा गोरिल्ला एनपीसी मेरी आधी से ज्यादा हेल्थ ले चुका है. मैं ये सर जी आ गए. हेलो, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मेरे को मत मार. सॉरी ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया. ले तलवार मैंने अंदर रख लिया.
नहीं 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 मत मारियो ऊपर मत मारियो ब्रो। हाँ कुछ भी नहीं हुआ नुबड़ा, कोई बात नहीं कटेशन मार रही है। ये जो बंदा है ना गाइस अभी ये आ चुका है शो ऑफ लेवल पर, करने दो करने दो, बच्चा है खुश हो जाएगा, शो ऑफ करने दो इस बेचारे को, इट्स ओके। अगर यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन देखूँ ना, वेयर आर यू, आई एम इन जंगल। ओके एक्चुअली लोग खेल रहे हैं, ओके 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 ओके। मैंने कितने बंदे मार दिए, मैंने 8 बंदे, ओ 4 बंदे मार के रखे हुए, मेरे को 4 और मारने, कम ऑन देन। और इसके बाद मेरे को फाइनल क्वेस्ट करनी होगी सर्जी की, और वो है गोरिल्ला वाले बंदे को मारना है। क्या मैं दोनों को मार सकता हूँ क्या एक ही बार में? ओके मैंने दोनों बंदों को सतमंगा लेकर रखा हुआ मैन। अरे मैं मार रहा हूँ यार, तेरे को क्या प्रॉब्लम है पीछे पड़ने की? यार वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना, मैं उससे पंगा भी नहीं ले सकता ब्रो। हेलो, इसको पता क्या मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूँ? यार मैं लेजिट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जबरदस्त गेम है यार। मैं उस बंदे की पावरें देख के हैरान हो चुका हूँ, और मेरे को पक्का पता है, गारंटी पता है कि इससे भी ज्यादा पावरफुल बंदे जो है गेम के अंदर होंगे। और ब्रोस आप भी अपना गोल बन चुका कि मेरे को सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा बनना है यहाँ पर। आई डोंट नो कैसे बनूंगा पता नहीं, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा खतरनाक पावरफुल बंदा बनना। देख रहे हो यार एक ही बार में लेके जा रहा है बंदों को वो, लाइक एक ही बार में मेरे को देखो, मैं यहाँ पर ऐसे डॉच करके वार कर रहा हूँ, इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ, और वो आते भाई मेरा किल था यार वो। गलत बात है यार, एक काम करता हूँ गाइस, मुझे हाथ से मारना पड़ेगा ये। शुरुआत हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, बट इट्स ओके इट्स ओके। मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट होने वाला है, और मैंने भी नोटिस किया कि गाइस इसके पास शिप देखो कितनी बड़ी है ब्रो, होली क्रैप, पूरा टाइटैनिक लेके घूम रहा है यार ये वाला बंदा तो। और भाई मेरे को भी ना अभी टाइटैनिक लेना ही लेना है, कैसे लूँगा आई डोंट नो, लेकिन लेना है अभी ना मेरे को भी टाइटैनिक लेना ही लेना है। लेकिन वैसे बंदर लोग नहीं मर रहे, मैं टाइटैनिक क्या खाक लूँगा? यार तू बीच में मत आ यार, बंदर और इंसान की लड़ाई हो रही है, तेरे को बीच में क्या आड़ियां आने की पड़ी हुई है? कुछ किया मैंने, कम ऑन मर जा मेरे भाई। इसको मैंने फेंका कि खुद फेंक गया वहां पर फटाक से, ले भाई ले। ओ भाई ये कुछ ज्यादा डैमेज कर रहा है भाई, ओ तेरी मैंने 2 बंदों के साथ पंगा ले लिया ब्रो। चलो शुक्र एक तो गया, एंड इसी के साथ गाइस अपनी क्वेस्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो एक काम करता है गाइस, मुझे यहाँ पे होम बटन दबाना पड़ेगा, और ये मेरे को ऑटोमेटिकली 4 सेकंड के अंदर टेलीपोर्ट कर लेगा अपने आइलैंड के ऊपर, और मेरे को वहां से बंदा जी से मिलना है, सर जी से मिलना है, और मुझे ना अभी इसकी फाइनल क्वेस्ट लेनी है। और फाइनल क्वेस्ट आपको पता है क्या है? गोरिल्ला किंग, जो कि उस वाले आइलैंड के ऊपर है। ये थोड़ा बहुत हार्ड होगा यार, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि उसका लेवल जो है गोरिल्ला किंग का बहुत ज़्यादा हाई है ब्रो, लाइक लेजेंड बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हाई। और नीचे कुछ बना हुआ है, अच्छा स्टॉक रूम बना कर रखा है, नाइस है नाइस है, स्टॉक रूम होना चाहिए, इट्स ओके। स्टॉक रूम हर एक घर के अंदर, हर एक कमरे के अंदर होना चाहिए। ओके लेवल 20 रिक्वायर्ड, और मेरे पास लेवल 20 भी आ चुका है, और इसको मार के मेरे को मिलेगा 2000 पॉइंट्स प्लस 9000 XP। क्वेस्ट एक्सेप्टेड। आई डोंट नो कि मैं उसको मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, आई डोंट नो, लेकिन वही वही हमको देखना है यहाँ पर। यार ये कैसे कर रहा है यार, मेरे को भी करना है यार ये चीजें मैन, यार ये शो ऑफ कर रहा है अब तो यार, मेरे को लगता है ये बिल्कुल मेरे सामने लग लिजिट आके ना मेरे सामने आके पावर मार रहा है और शो ऑफ कर रहा है, उसने एक ही बार ने बंदर भाई को मार दिया अपने। भाई इसके पास तो इलेक्ट्रो भी है, हेलो सर जी, अच्छा कहीं जाओ ये। लोगों का हालचाल यहाँ पे नहीं पूछना, उसका अंजाम आप देख सकते हो बहुत बुरा हो सकता है, तो यार लोगों से हालचाल उनका हालचाल नहीं पूछना। सब बंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैन दे रहा, तो क्या हाथ साफ कर रहा है भाई, मैं पावर लगा रहा हूँ यहाँ पर, तेरे को हाथ साफ करने की पड़ी हुई है, ये ले
मैं अपनी पावर सेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अपनी इन्वेंटरी शॉर्ट आउट कर रहा हूँ इसको अपने, ये पीछे से आके हाथ साफ कर रहे हैं मेरे ऊपर। मैं अपनी सारी पावर लगा रहा हूँ सोर्ड के ऊपर और मैं बहुत बड़े किंग के साथ पंगा लेने वाला हूँ, तो एक काम करते हैं पूरा डिफेंस अपना इंक्रीज कर लेते हैं। कम ऑन देन, मैं गया, अभी आएगा अपना किंग सामने। भाग गया क्या मेरे को देख के? आई मीन यहीं पर समन होता है यार ये वाला बंदा, तो वाजब और टेंशन मत कर, इतना नहीं मारता मैं। हालांकि मेरे पास तलवार मैंने पकड़ के रखी है हाथ में और जैसे ही तू आएगा मैं तेरे को ठोक दूंगा, बट यार टेंशन मत कर। अब क्या ही कर रहे हैं यार, गेम का पार्ट यही है। और हैंग ऑन अ सेकंड, ये मेरे को अनलॉक करना है लेवल 20 पर और मैं लेवल 20 पर आ चुका हूं मैन। एक्स से होता है लेकिन एक्स में दोबारा कुछ भी नहीं हो रहा। स्किल अनलॉक्ड, मिस्ट्री लेवल 20 रिक्वायर्ड, मैं लेवल 20 पर आ चुका हूं। आई थिंक मेरे को ये बार प्रोबेबली कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये किंग कहां चलेगा दोबारा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इनके किंग को डरा दिया, या तो ये बंदा मुझसे डर चुका है, या तो वो जो खतरनाक वाला बंदा घूम रहा है ना जो पावरें मार रहा है आसमान से, या तो उससे डर चुका है। और अंदरूनी बात बताओ उससे तो मैं भी डर चुका हूँ। ये रहा किंग। हेलो कैसे हो? अभी गाइस आई थिंक समझदारी वाली बात यही होगी कि पीछे से जाके हमला कर देते हैं। भाग के मारते हैं। हेलो सर जी, अच्छा ऊपर नहीं आ सकता? ऊपर आएगा तो यार ब्रो ये खतरनाक है यार ये वाला, तुम इसको मार भी नहीं पा रहा भाई, उससे पता नहीं कौन सी पावर मारी, जमीन के अंदर से मुक्के आ रही है। देखो इस ओके कोई बात नहीं है, बड़े बड़े ब्लॉक्स फूड की दुनिया में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। इस ओके, हम भी कुछ ही टाइम के अंदर जो है मास्टर कर लेंगे, पता नहीं वो टाइम कब आएगा लेकिन वी कैन डू इट। ये देखो मैंने नई पावर डिस्कवर करके रखी हुई है, लेट्स गो। ओके आ जा, कम ऑन देन ब्रो, मर जा भाई, ये सब का सवाल है, मर जा, मेरे को वीडियो बनानी है यहाँ पर। यो ओके तो नहीं भाई, ये वाली पावर बोर नहीं देके मारा, अगर हजम नहीं होती मेरे को इतनी जल्दी से, मैं थोड़ा दूरी रहता हूँ यार इससे। ओके तो मेरे को मिस्ट्री लेवल अनलॉक करना था, मैं समझ गया, तो मिस्ट्री लेवल ये रहा, तो मैं फिलहाल हूँ मिस्ट्री लेवल 12 के ऊपर, कोई बात नहीं है। ओके ओ माय गॉड ले गई। ओके मेरे को वेट करना कि मेरी पूरी हेल्थ जो है यहाँ पे रीजन हो जाए, अगर इस हेल्थ से जाऊँगा ना तो मेरे को धोबी पछाड़ मारेगा मेरे ऊपर। कम ऑन मैन, इस ओके भी गरीब है, तलवार निकालूं क्या? ओ माय गॉड भाई बहुत खतरनाक है यार, वो तो उसकी हेल्थ हिली भी नहीं। भाई वो बंदा हिला भी नहीं उसकी हेल्थ, कैसे मारूं यार कुछ समझ में नहीं आ रही। सर जी हेलो, देखो मैं पानी पी रहा हूं, आप भी जाके थोड़ा बहुत रिफ्रेश होके आ जाइए। शिट यार ये मेरे को पट चक चक के मारेगा, साठ से अगर देखो तो, अगर मैं मुक्को से मारता हूँ तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट है। ये गायब हो गया क्या? ओ नो क्रॉप, अभी पूरी हेल्थ लेके आएगा नूपड़ा। ए हैंग ऑन अ सेकंड, अगर मेरी हेल्थ रीजन हो रही है तो इसकी भी होगी ना फिर। खबर यार उसको मारना मेरे बस की बात नहीं है यार, ये छोटे बड़े बंदे मारने के लिए दो ना भाई मेरे को, उसने मेरे को मोटा गहना देकर रखा हुआ यार, मार ही नहीं रहा मुझसे। मैं अभी आ चुका हूँ मिस्ट्री लेवल 13 पर। हैंग ऑन अ सेकंड, अगर मैं मिस्ट्री लेवल 20 अनलॉक करता हूँ तो मे भी कुछ ना कुछ मेरे को अंदरूनी पावर मिलेगी जिससे, जिसकी हेल्प से मैं उसको मार सकता हूँ। ओके ना रुको, अभी यहाँ थोड़ी बहुत गाइस ग्राइंडिंग करता है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता लग गया सिस्टम यहाँ पे। और ऊपर जो सर जी बैठे हुए हैं ना जो ब्लॉक्स फूड बेच रहे हैं, और वो ब्लॉक्स फूड लेने के लिए भी ना मेरे को लेवल 50 चाहिए, तो मेरा लेवल गाइस मैं समझ गया बहुत ज़्यादा लो हो चुका है यहाँ पर, इतना लो है कि मैं यहाँ पर फ्रूट भी नहीं खरीद पा रहा। ये देख रहे हो ये बोल रहा है प्लीज कम बैक व्हेन यू हैव लेवल 50, देखिए यू आर नॉट रेडी येट, ठीक है। ये बंदा बोल रहा है तू रेडी नहीं है, तू घर जा पराठे खा के आ, पहले मुँह चक्के आ चुका है यहाँ पर। ओके लेकिन चक्को बात नहीं, सूखे गेम के अंदर ऐसा ही होता है, डोंट वरी। लुको
फुल ऑन ग्राइंडिंग बाजी चल रही है यहाँ पर, फुल ऑन ग्राइंडिंग बाजी। और गाइस अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना तो आपने मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है यार कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे को नहीं सिखाओगे ना तो मैं गेम को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं बता रहा हूँ लेवल 16 तक पहुँच रहा हूँ, तो तरक्की हम कर रहे हैं, तरक्की इज गेटिंग देयर। ओके मेरे को लगा था कि ये मिस्ट्री मंकी है। ओके मिस्ट्री लेवल पहुंच चुका है मेरा 17 तक, मेरे को सिर्फ 3 लेवल और चाहिए, जिसका मतलब ये है कि प्रॉबली मोस्ट प्रॉबली मेरे को 3 बंदर यहाँ पर और मारने पड़ेंगे। और मेरा ये वाला लेवल भी 20 तक पहुंच चुका है, आई थिंक ये पहले से ही 20 तक था। ये ले ये ले, आ भी खा, लेट्स गो। एक काम करता है, मैं छोटे मोटे बंदरों को मारने की जगह ना मैं मोटे वाले वो बंदरों को मारता हूँ, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत खाना पीना लाइक थोड़े बहुत स्टैट्स तो एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। ओके तो अगर मैं फिर से एक बार इसके ऊपर क्लिक करके देखूँ ना तो मेरे को लास्ट वाला मिशन जो है अबैंडन करना है, तो मेरे को अभी मारना है गोरिल्लास, जिससे मेरे को मिलेगा ये सही है, ये तरकीब जो मैंने खोज के रखी है ना एक्चुअली बढ़िया, इससे मेरे को पैसे भी मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम हाई लेवल मिलेगा। और भाई मेरे को हाई लेवल चाहिए यार, क्योंकि ये गेम जो है ना यहाँ पर लेजेंड बता रहा हूँ हाई लेवल की हो रही है, ये जोक समझ में आया आप लोगों को, हाई लेवल। हेलो चाचू, कम ऑन देन, लेट्स गो मिस्ट्री लेवल 17, नाइस यार। ये तरकीब मैंने मस्त वाली खोज लिया, क्योंकि इससे ये वाला लेवल भी बहुत जल्दी हाई हो रहा है, मेरा मिस्ट्री लेवल भी बहुत जल्दी हाई हो रहा है, उसकी क्वेस्ट भी हो रही है एंड एट द सेम टाइम हमको रोकड़ा भी मिल रहा है। क्या बात है, क्या भोपू बज रहे हैं मैन, दिस इज एपिक। आया यार, लेट्स गो लेवल 20 और नॉट 20 लेवल 21, क्या बात है मेरे बात, क्या बात है। ठंड रख, हिल मत, इतनी नहीं मारूंगा, तो हिलता बहुत है यार, अगर तू हिलेगा नहीं ना तो सीधा तेरी खोपड़ी ही पड़ेगी। अब तू हिल रहा है और मेरा निशाना जो सीधी होता है निशाना मेरा चूक रहा है, तो जो ये मैंने तेरा ये हाथ के ऊपर लगा कर रखा था ये मैंने भी हिलना बंद कर दिया ना, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं नहीं हिलूंगा वो भी नहीं हिलेगा, तो कोई ना कोई तो हिलेगा ना ये स्टैट्स देख के। तो उससे मेरे को क्या मारा बातों बात है, मैं मेरे को पता भी नहीं लगा। ये देख रहे हो मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, पीछे से मुक्का मार के भाग गया, बंदा वॉक भी नहीं कर सकता यहाँ पर। मैं 20 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैं 21 तक पहुंच चुका हूँ, और ये मेरे को सिर्फ मे बी इस वाले गोरिल्ला को मारूंगा तो शायद हो जाएगा। अरे नहीं ब्रो, एक और, कम ऑन ब्रो, ओह माय गॉड, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ मैन, वू, ये तो समन होते ही फचैक पड़ी इसके, ना कर सोनिया ना कर। लेट्स गो लेवल 20 अनलॉक हो चुका है। ओके अभी मेरे को मिलती है यहाँ पर एक ब्रांड न्यू पावर, तो अगर मैं ये वाली मार के देखूं, तेरी ये क्या मुफली मार रहा है, कुछ भी नहीं था वो तो यार, ब्रो व्हाट द हेल यार, वो था क्या, अरे भूख मार दी इसने मैन, क्या हुआ क्या। ओके आई एम ऑन लेवल 23, प्रोग्रेशन मस्त लेवल की चल रही है, तो काम करते हैं फिलहाल शॉपकीपर चलते हैं, और मेरा डिफेंस बहुत ज़्यादा लो है तो मेरे को यहाँ पर डिफेंस के ऊपर जो है पूरा खर्चा करना पड़ेगा यहाँ पर। ऑलराइट सो फार गुड, अभी आई थिंक मेरे पास टाइम आ चुका है कि उस बंदर को मारना, बिग गोरिल्ला को मार सकता है अभी, तो मेरे को फटाफट से टेलीपोर्ट करके ना यहाँ पर जाना है। और ये वाली हवा के अंदर चलने वाली पावर भी जो है खतरनाक है यार, नहीं है खतरनाक, चल रही ऊपर यार, अरे काहे कर रहा है। ओके मैं हमेशा शॉर्टकट मारने की सोच रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा मुझसे, नहीं मेरे को इससे नहीं मिलना, मेरे को उससे मिलना है। हेलो अभी मेरे को देगा नई क्वेस्ट, आई थिंक अभी हम मार सकते हैं गोरिल्ला किंग को, क्वेस्ट एक्सेप्टेड। भाई प्लीज अब की बारी मर जाइए यार, ये गलत बात है यार ये। ओके लेट्स गो, सामने खड़ा हुआ है। मेरी ये वाली पावर डिसेबल कैसे हो सकती है ब्रो, ये तो ठंड रख ले, मैं तेरे को बता रहा हूँ ये मेरी और बॉसमैन की फाइट है, तो पीछे मत आ, पिट जाएगा फालतू में मेरे सामने। ओके मेरे को इसके लिए वो निकालना पड़ेगा, तो अगर मैं दबा के देखूँ ना तो इससे क्या होता है। ओके इतना कुछ खास डैमेज नहीं हुआ, बट इट्स ओके, बेटर देन नथिंग, कम ऑन।
गोरिल्ला जी आप बहुत अच्छे हैं, नहीं है बहुत अच्छे नहीं है, बहुत खराब बंदा यार ये, कोई हेल्प करो यार मेरी, भाई पूरी हेल्थ ले गया यार। ओके हेलो चचू देख मान जा, मेरे को अपना लेवल आगे लेके जाना है, इतना गुस्सा नहीं करते। ओ कुछ ना कुछ मारेगा, कुछ ना कुछ मारेगा। ओ माय गॉड यार ये मत मारा कर यार, कहां मुक्के मार रहा है, मेरे को तो लग भी नहीं रहे फिर भी मेरी हेल्थ जा रही है यार यहां पर तो। ओके इसकी हेल्थ गाइस कुछ ज्यादा डाउन हो चुकी है। ओके वी डूइंग गुड, वी डूइंग गुड। सबसे पहले मेरे को अपनी हेल्थ थोड़ी बहुत रीजन करनी है। ये ले पड़ी ना मुक्का दांत के नीचे, एवं ही होता फिर आला आह ओ पड़ गई। ओ शिट 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 बचो बचो बचो, हाँ पड़ी भी नहीं मेरे को। ये ले अपनी तो ऐसे ऐसे तना 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 निकलो 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 निकलो। यार ये फंडा सही है, एक पंच मार के भाग लो। ओके ये अच्छी बात है कि इसकी हालत जो है रीजन नहीं हो रही। कम ऑन Oh no! भाई मेरे भाई, तुम भाई भाई नहीं भाई ब्रदर, दिखता भी लोगे की तरह ब्रदर। वेरी वेरी नाइस, हेल्थ रीजन होने दे भाई मेरे। टैक ये ऐसे टीम करता है ना वो एक्स वाली पावर के साथ, कुछ भी नहीं होता उससे। एयर स्लैश कम ऑन मैन, ये ले मरने वाला गाइस मरने वाला, वी आर सो क्लोज। लेवल 25 के बॉस को हम मार रहे हैं, लेवल 25 के बॉस को। ओ शिट नहीं मार रहे, लेवल 25 का बॉस 25 बारी हमको मारने लगा ये। कम ऑन भाई मेरे, देख मरने वाला तू। डॉज कर दिया ना आला फिर मरने वाला मर। ओ शिट नहीं मरने वाला हूं। होली क्रैप भाई बहुत ज्यादा हेल्थ लेकर जा रहा है यार ये एक वाले मुक्के में। ओके आइटम्स के अंदर क्या है, शॉप्स के अंदर क्या है, मिथिकल ब्लेड बाय करूं क्या? मेरा एक्चुअली मन कर रहा है कि 1200 रोबक्स करके मिथिकल ब्लेड बाय कर लेते हैं, फिर सबकी बैंड बजा देंगे, लेकिन आई थिंक ये चीटिंग होगी, तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे चीटिंग नहीं करनी। कम ऑन देन, अपने साइज के बंदों के साथ पंगा लेना फिर। मरने वाला तेरे को लेजिट एक पड़ने वाली है, रुक। Yes! क्या भोंपू बज रहे हैं यहाँ पर बता रहा हूँ तुम लोगों को। डिफेंस थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेते हैं एंड बाकी सोर्ड मेरे को थोड़ी बहुत जो है इंक्रीज करनी है। कम ऑन देन, ये रिफंड से क्या होता है, आई डोंट नो, रुको मैंने लगाए भी नहीं पॉइंट्स यार, रिफंड से कुछ नहीं होता। ओके रिफंड करने के लिए मेरे को 75 रोबक्स देने पड़ेंगे, नाइस है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल 26 पर, मैं फिर भी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ यार। लेकिन देखो गुरिल्ला ने बहुत ज्यादा लेवल दिया उसको मारने पर, ठीक है ना, तो आई थिंक अगर मैं इसको 5-6 बार और मारूंगा तो इजिली नो जोक लेवल 50 तो अपना पक्का है। लेकिन आई डोंट थिंक कि गाइस गुरिल्ला को मारने की अपनी हैसियत है, तो काम करते हैं फिलहाल हम ये छोटे मोटे बंदरों से काम लेते हैं और इनको मारते हैं, क्योंकि इनको मारने पर भी ना अच्छा खासा लेवल एंड एट द सेम टाइम अच्छा खासा एक्सपी मेरे को मिल रहा है, तो हमें बेसिकली मतलब है प्रोग्रेशन से। और यहाँ पर भी हो रही है प्रोग्रेशन और वहां पर भी हो रही है। ओके वहां पर नहीं हो रही, ठीक है, वहां पर प्रोग्रेशन हो रही है गुरिल्ला की, अपनी प्रोग्रेशन नहीं हो रही भाई। चक चक के मार रहा है मेरे को तो यार, वो बच्चे पर जुल्म कर रहा है यार मेरा दोस्त। कम ऑन देन, दीजिए लेवल 26 पार होने वाला है। तो गाइस मैं कब से बंदर लोगों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा यार, तो एक काम करते हैं, मैंने ठान ली है फाइनली, अपोल ने ठान कर रखी हुई है कि हम मारेंगे मोटे सांड गुरिल्ला को। आई डोंट नो कि ये गुड आइडिया है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मैं अपनी प्रोग्रेशन कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ तो यार फिर भी ट्राई कर लेते हैं। अगर वो मरता है ना गोरिल्ला, लाइक वो सांड सामने जो खड़ा हुआ लाइक ड्रैगन टाइप गोरिल्ला, अगर वो मरता है ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाले। और मैं देख रहा हूँ अभी ना मैं ग्राइंडिंग कर रहा था, इतने ओपी लेवल के बंदे आ रहे हैं ना, फिलहाल तो मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है, बट इनकी पावरें देख के ना मेरे को गेम खेलने का और ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है, पता बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये ले यार इसका मुंह लाल हो गया ना, तो ये मेरे को लाल कर देगा पूरा। हेलो चाचू 25 लेवल के बॉस वहीं पर है, तेरी भैंस की आंख। कोई बात नहीं इस ओके, अपना टाइम भी आएगा ना, टेंशन मत कर भाई, जो तावरे तूने मेरे पर मारी है ना मैं इसका बदला पूरा पूरा ले करूंगा, तुझसे तो जानता नहीं है मेरे को तू। निकल लो निकल लो निकल लो, अभी ये शो ऑफ हो रहा है मेरे सामने।
लेजर बता रहा हूँ, शो ऑफ हो रहा है यार, कोई हिंट भी नहीं देता कि मैं ऐसी ऐसी खतरनाक वाली पावरें मारने वाला हूँ, भाग जाओ तुम लोग यहाँ पर खुद ही। देखो ये देखो बड़े के काम देख रहे हो, ये देखो गिर गया ना, हाँ गिर गया ना, और खोदे हैं लेवल 12 तक जाने की। उतरी 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 उतरी, ज्यादा पंगा नहीं लेते, ज्यादा बोलते भी नहीं है, और बिल्कुल बिल्कुल बिना इसके बिल्कुल गोद के अंदर जाकर तो बैठना ही नहीं है। आधी से ज्यादा लेवल्स का मैं पावर्स की मैं कम कर चुका हूँ। ये मेरे पास 1300 कॉइंस आ चुके हैं, क्या मैं शॉप से कुछ बाय कर सकता हूँ क्या? ओके बाद में जाकर ना खतरनाक वाली कटाना लेनी पड़ेगी मेरे को, तब भी जाके कोई ना कोई बात बनने वाली है, क्योंकि जो ये जंगी कटाना इन लोगों ने मेरे को दे रखी है ना, इससे तो कुछ भी नहीं होने वाला ब्रो। अरे यार मेरी पावरें कितनी वीक है यार, कम ऑन मैन, ऐसे नहीं करते यार। मेरे को एटलीस्ट इस वाली वीडियो के अंदर ना अपना पहला ब्लॉक फ्रूट तो लेना ही लेना यार, मेरे को पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन यार लेके जाना ही जाना, मैं लेवल 27 पर ही अटका हूँ मैन, कम ऑन गुरिल्ले, मर जा। सिर्फ मेरे को तेरे को दोस्ती वाली भाइयों वाली बात कर रहा हूँ तेरे से, मुझे सिर्फ तेरे को 500 बार और मारना है और मेरा लेवल जो है बढ़ जाएगा। अब देखो गाइस ये गुड डील है, यू नो ले आला, आई कैन सी यू, ओले ले लग गई मेरे भाई, गुस्सा कर लेगा अवेला भाई, गुस्सा कर लेगा, लेट्स गो लेवल्स भाई। उसको मैंने एक बार ही मारा, मेरे 3 लेवल्स बढ़ रहे हैं ब्रो, बस उसको 50 बार अभी और मारना है एंड देन वी डन। हेलो चाचू कैसा है, क्या दे रहा है मेरे को? भाई तेरे पास पेट भी, अरे भाई ये क्या है तेरे पास, खतरनाक वाली आइटम है यार इसके पास तो मैन। मेरे को भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना है, हाइबेक्सल की तरह मैं बंदों को लूट नहीं सकता क्या? तब तेरे के मेरे को इस वाली गेम में तो ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके। और मैं इतनी स्लो कैसे जा रहा हूँ, इसने आई थिंक मैं तो स्लो कर दिया क्या? पर बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, देख रहे हो पूरी वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो माइनक्राफ्ट के अंदर जो होती है वो चुन्नी सी पहन के आ जाती है, केप, पूरी केप पहन के आया। और भाई इसके पास क्या क्या चीजें हैं यार, वो खा, और आई थिंक उसने ब्लॉक्स, आई थिंक वो ब्लॉक्स रूट था या भाई, भाई मैंने क्या किया, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी गलती गलती, पेड़ ने क्या बिगाड़ा है, मिस्टर बीस ने देख लिया ना, ओ तेरी ओए होए होए शांति, अबे मैंने क्या किया, मैं तो तेरे को हेलो बोल रहा था, अच्छा मार ले यार, तेरा नाम मैंने नोटिस कर लिया अपनी कॉपी पर, ठीक है ना, एक दिन आएगा जो मैं तेर से ज्यादा पावरफुल होकर दिखाऊंगा, एक दिन आएगा तो देखियो भाई, मार्क माय वर्ड्स, देखियो अभी तो मैं लेवल शिट यार, ये वाला बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है ब्रो, ओ माय गॉड, पूरा जंगल को इसने तहस नहस कर दिया, तहस से पहस कर दिया। गाइस आपको याद है मिस्टर बीस्ट की वीडियो मैंने स्क्रीन के ऊपर देखी थी, तितर बितर कर दिया मिस्टर बीस्ट, लिटरली बोल रहा है कि तितर बितर हो गया, और लिजिट भाई इसने मेरे से गोरिल्ला नहीं मर रहा, मेरे से गोरिल्ला तितर बितर नहीं हो रहा, और इस सज्जन जी ने पूरा आइलैंड जो है तितर बितर कर दिया भाई, हे भगवान। वो चेस पड़ा हुआ यहाँ पर, लेट्स गो, 340 रुपये मेरे को दे रहे हैं ना, 340-304 रुपये मेरे को चेस के अंदर दे रहे हैं, बड़ी झोंके यार, लेवल 31 के ऊपर मैं फंस चुका हूँ मैन, कम ऑन यार गोरिल्लास, मर जाओ यार, मेरे को लेवल 50 तक जाना है यार, मेरे को अपना पहला ब्लॉक सूट देखना है कैसे होता है। और मैं इसको दो बारी ना, ना दो बारी मैं इसको एक बारी मारने ही वाला था, और वो खतरनाक वाला बंदा आ गया, और उसने केप, वो केप वाले बंदे ने ऐसी पावर मारी कि वो एक ही बार में गोरिल्ला किंग को ले गया यार, लाइक मेरी पूरी मेहनत उसने वेस्ट कर दी मैन। और ठंड रख यार, जमीन कुटी जा रही है बार बार ये बंदा, भाई ऐसा नहीं करता यार, ठंड रख, ये दो एमी जोर लगा रहा है, बात मेरे भाई एक बार मेरे पास खतरनाक वाले वेपन्स या खतरनाक वाली पावर आने देना, तू गया। और बाय द वे गाइस मैं ग्राइंड कर रहा हूँ बहुत टाइम से, और मैंने अपने सारे स्टार्स जो है फिलहाल मेले और तलवार के ऊपर लगा कर रखे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि खतरनाक वाली तलवार होगी तो हम फटाफट से अपनी तलवार से उसको मार लेंगे, बट है ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने तलवार अपनी चेंज कर ली तो जितनी प्रैक्टिस मैंने करके रखी हुई है ना, जो जितने मैंने स्टार्स लगा के रखी हुई है सारे वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, करना तो पड़ेगा ना, प्लीज मर जा डुबड़े, ये ले अपनी दिखा, थोड़ा दूर होके मारता है गाइस इसको, दूर होके, ओ भाई क्या मुक्का मार रहा है यार, एक ही मुक्के में लाइक लिटरली बता रहा हूं मैं आपको 20, इसने कोई न्यूक मार रहा है भाई, वहां पर लिजिट कोई न्यूक मार रहा है मैन, यार मैं तो हेल बोलने आया था, कहां पर चढ़ के मार रहा है पहले ये बता मेरे को, अब बहुत हो गया, ओ भाई मैंने पेड़ गिरा दिया तेरी,
इससे पहले कि ये मेरे को गिरा है, मैं थोड़ा बहुत डिस्टेंस लेके यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। चले आई कैन सी यू। अरे लगी भी नहीं मिले को, कुछ भी नहीं हो यहाँ। ये ले, मरने वाला मरने वाला मरने वाला मरने वाला मरने वाला है। हाँ अच्छा, एक ही लेवल बड़ा ब्रो, कुछ ज्यादा ही हार्ड हो रहा है मेरे लिए ये। गाइस मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पे ग्राइंडिंग कर रहा हूँ, मैं लेवल 32 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरे को लगता है ऑफ वीडियो ना थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि ये गेम जो है ना बहुत ज़्यादा एपिक है यार, बहुत ज़्यादा देख रहे हो लाइक पूरी एनिमे जैसे फाइटें होती है ना, वैसे आसमान के ऊपर चांद के ऊपर बंदे को ले जाके जब मारते हैं ना, बिल्कुल वही फील मेरे को यहाँ पर आ रही है। देखिए देखिए इसको देखना, ये देखो भाई मेरे को मारा दे ब्रो मेरे को मारा दे, प्लीज प्लीज मैं तेरी बहुत हेल्प करूंगा भाई, मेरे को मदद दे, मेरे को प्लीज मेरी हेल्प कर रही है। यस ब्रो थैंक यू, मुझे इसका थैंक यू लिखना पड़ेगा यार। ब्रो थैंक यू यार, मेरी हेल्प कर यार, मेरे को यार लेवल 50 तक पहुंचना यार। कम ऑन यार, ये बंदा बहुत ज्यादा ग्रेट है यार, इसकी पावर देख रहे हो कितनी खतरनाक है। ऑनर ये पता नहीं कौन सा लेवल है इसके पास। गुड, हाँ थैंक यू, हालांकि सारी मदद इसने ही करके रखी है, फिर भी बंदा दिल का बहुत साफ है, गुड मेरे को बोल रहा है, सही है। आई हैव लेट्स गो, रुक मैं एक बड़ी और मिशन स्टार्ट करके लेके आता हूँ, हैंग ऑन अ सेकंड भाई। अपना लगता है यहाँ पर कार्यक्रम जो है पूरा सेट हो चुका है यार। ओके मैं रोब्लॉक्स की तरह बंदों को लूट नहीं सकता, लेकिन बंदे यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और यही हेल्प जो है मेरी गेम को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, बट नो इट्स नॉट चीटिंग ब्रो, इट्स टीम वर्क। गोरिल्ला किंग मैंने स्टार्ट करके रखा हुआ है, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, मैंने इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ ना कि भाई लेजर मेरे मुँह से शब्द निकल रहे भाई। कस्टम्स यार ये बंदे ने मेरी हेल्प कर देना, कम आजा फिर से आ गया उससे, एक्चुअली वो लिख रहा है कम, कह रहा क्या क्या कर रहा है, जल्दी कर आजा, बंदे मारते हैं, लेट्स गो भाई अभी थोड़ी बहुत जान में जान आई। मेरे को लगा था कि मैं वीडियो खत्म कर दूंगा और ऑफ वीडियो जो है ग्राइंडिंग करेंगे, लेकिन नहीं, अब मेरे प्लीज मेरे को मारने दियो मेरी जान। हाँ तेरी इसके पास स्नाइपर है, रुक से पूछ लेता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे शॉर्ट के ऊपर जो है वो अपने लेवल नहीं लगाने पड़ेंगे। इज इट ए गुड आइडिया टू पुट लेवल ऑन सोड, क्योंकि यहाँ पे मिस्ट्री बोल रहा हूँ, लेकिन ये मिस्ट्री नहीं है, मास्टरी है। मैं बौखला चुका हूँ गेम खेल खेल के यार, रुकी से पूछ लेता हूँ, अगर मैं इसके पास जाऊँगा ना तो ये मेरा मैसेज पढ़ लेगा। ए मत मार इसको, ऐसे क्या उसने छड़ी घुमाई, बंदा ही मार दे इसने, नाइस ओके। और ये गोरिल्ला ने मैं बहुत टाइम लगा रहा है यार, अब जब मार खाने का टाइम आया ना गोरिल्ला का तो दोबारा सामने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं इट्स ओके, यस आ गया अटैक, टूट पड़ उसके ऊपर भाई साहब, एक ही फॉर्म में भाई वो तो बंदा मार दिया इसने, होली क्रैप, थैंक यू भाई थैंक यू, तो बहुत अच्छा बंदा यार। गाइस इसके लिए सब्सक्राइब बनता यार, मेरे को नहीं पता बंदे ने बहुत हेल्प करके रखी है। रुको मैं एक बार फिर से ना मिशन स्टार्ट करके लेके आता हूँ, और मेरे पास स्टैट्स लेवल 3 हो चुके हैं। मैं इसे पूछ लेता भाई कहाँ इतनी जल्दी वहां पहुंच गया यार ये बंदा तो। कोई बात नहीं इट्स ओके, हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे मेरी जान, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब पहुंचेंगे, लेकिन वी विल गेट देयर। कम ऑन देन, एक बार फिर से गाइस मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। इसने क्या लिखा, आई कैन स्पिन, हाँ यू कैन क्लियरली स्पिन, आई कैन सी दैट। बंदा बहुत सही है यार, अगर ऐसे बंदे 5-6 मेरे को मिल जाए ना, तो गाइस अगर आप भी जो है ब्लॉक शूट खेलते हो मेरे को ज्वाइन करना यार, सारे टीम वर्क में मिलकर ना पूरी एकदम से महान आर्मी बनाकर ना बिच्छू गैंग बनाकर लोगों के ऊपर हमला करेंगे। मैंने नोटिस किया कि अभी एक बंदे के ऊपर ना बाउंटी लगी हुई थी, बहुत मोटी बाउंटी लगी हुई थी, लेकिन वो बंदे को मार नहीं पाया, उसने मेरा कचूमर बना दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बाउंटी मेरे हाथ में लग गई ना तो भाई लाखों में खेलेंगे भाई लाखों में। कम माई फ्रेंड, आई वेटिंग, कम माई फ्रेंड, इसको लिखता हूँ गोरिल्ला वेटिंग लेट्स गो। तो एक बार फिर से गाइस मेरे पास जो है डिफेंस बहुत ज्यादा कम है, तो अब की बार मैं अपने पूरे सेट्स जो है डिफेंस के ऊपर लगाऊंगा। आ गया भाई, क्या तूफान की तरह आ रहा है यार ये बंदा, भाई साहब गोरिल्ला टिक नहीं पाएगा इसके सामने, भाई क्या कर रहा है भाई ये बंदा। हेलो कैन यू गिव मी समथिंग, कुछ दे रहा मेरे को यार, गिव मी समथिंग, ट्रेड वगैरह नहीं होती क्या,
ट्रेड नहीं होती। ओ फ्रेंड हेलो लूटनेंट, पैसे कपड़े बहुत ज्यादा। आ गया गया, टूट पड़ टूट पड़। बस 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 खतरनाक है यार, खतरनाक है यार, लेजिट मैं बता रहा हूँ यार। मेरे को ना वेर आर पायरेट्स। अच्छा ये मैं तो पायरेट हूँ, ये मेरे को ढूंढ रहा है। शिट, कहीं अपना गुस्सा आखिर में मेरे ऊपर ना उतार दे यार। तो यार लेजिट गाइस, आई एम प्लेइंग ब्लॉक्स फ्रूट इन क्रिएटिव मोड, लेट्स गो। मेरे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है भाई साहब। वेट माई फ्रेंड, माई ब्रदर गुरिल्ला कमिंग। किस कमिंग, होल्ड ऑन Hold on, please. I want help. बहुत परेशान bro, too much परेशान. Gorilla not dying bro. किस्मत खराब, Gorilla not dying. हाँ मेरे को भी समझ नहीं आ रही। kill gorilla. No, not kill gorilla. Reduce gorilla's health. वेरी गुड बॉय। ये कोई पूरा ना मार दे यार। हाउ कमिंग, ये भी टाइम पास कर रहा है। हाउ कमिंग, रिड्यूस ग्रिल, डिक्रीज हेल्प। आई कैन, ओके सही है। आई कैन कैसे लिखा, कैसे, नाइस है नाइस है। ओके एक बार फिर से गाइस, मेरे पास स्टार्ट्स आ चुके थे, मैं पूरे मेरे को लगाना है यहाँ पर डिफेंस के ऊपर। अब की बारी में पूरा डिफेंस के ऊपर जो है, ही इज ईजी। अरे आ गया आ गया आ गया, पट से हट शॉट। रुक रुक रुक, पूरा नहीं मारने का। अरे भाई साहब, लेवल 35 इन द पॉकेट। मैं से पूछ लेता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज लेवल फास्ट, क्योंकि गोरिल्ला जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है मैन, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो क्या पता मेरे को ये बंदा कोई सलाह दे दे, क्योंकि बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। कम हियर, कौन बुला रहा है मेरे को, ये बुला रहा है क्या, कोड। वेट व्हाट, हैक्स है क्या यहाँ पर। What? अरे मेरे को लेवल इंक्रीज करना, वट वट मत कर मेरे सामने, वट वट निकाल दोगे तेरे वट पे आ जाएंगे तेरे कमर के अंदर। I can see you the code and you can level up so fast. Wait, what? Okay. Cheat है क्या कोई यहाँ पर? Maybe मैं कुछ शॉप के अंदर जाके कोई ना कोई कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा अक्सर रोबलॉक्स की गेम्स के अंदर ना, आप कोड डालते हो तो आपको जो है एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। ओके गाइस, मेरे को अभी ना एक कोड यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन मेरे को ये पता करना है कि यहाँ पर ये कोड डालते कहाँ पर। अगर मैं स्टैट्स के ऊपर क्लिक करके देखूँ ना, सबसे पहले मेरे को अपना डिफेंस जो है पूरा इंक्रीज करना है। आई डोंट नो कि मतलब डिफेंस इंक्रीज करने में समझदारी कर रहा हूँ कि बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, आई डोंट नो, लेकिन कर लेते हैं, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे कि मैं कितना आगे पहुँच चुका हूँ। और मेरे को कोड ऐड कहाँ करना है, आइटम्स पर जाकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मैन। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। गिफ्ट्स के अंदर रिडीम कोड, गॉट इट, लेट्स गो। रिवॉर्ड का कोड इनवैलिड, रिवॉर्ड फन, लेट्स गो। तो गाइस मैंने यहाँ पर कोड मार के रखा हुआ है, आपको ऑनलाइन से मिल जाएंगे अगर आप ब्लॉक्स फूड खेलते हो तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो मैंने ऑनलाइन से यहाँ पे कोड ढूंढ कर रखा हुआ है, और कोड मेरे को 20 मिनट के लिए जो है एक्स्ट्रा बूस्ट दे रहा है। गोरिल्ले मेरी जान, लेवल 39, यो। सो फार गेम अपने हाथ के अंदर आ चुकी है, लेवल 39 पर मैं पहुंच चुका हूं, और ये देख रहे हो 2 times भाई साहब, नाइस। तो गाइस अगर आपको भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए ना इस गेम के अंदर, तो आप ये कोड डाल सकते हो। तो बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीथिंग, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। रिवॉर्ड फन कोड का नाम है, तो अगर आप ये डालोगे तो आपको 2 times ब्रो, मतलब कि जितना एक्सपी आप लेने की सोच रहे हो ना, लाइक जितना एक्सपी आपको मिल सकता है उससे डबल, लाइक 2 times ब्रो बहुत ज़्यादा होता है, 2 times एक्सपी। लाइक अगर मैं उसको मारता हूँ तो मेरे को 9000 एक्सपी देता है वो, ठीक है, आई बिलीव 9000 एक्सपी देता है। तो अब की बारी इस कोड के साथ मेरे को मिलेगा 18000 एक्सपी।
भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मेरी यहाँ पर तो। भाई बंदा ग्रेट है यार ये, लेजिट बंदा ग्रेट है। नो यू डाइड, कौन किसको किसको धमकी दे रहा है? मेरे दोस्त से मिला ना तू, किल हिम। अच्छा नहीं, पहले गुल्ले को मारो। दिल की बात सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल क्या हाल सुने दिल वाला। हाँ मैं तेरे पीछे ही हूँ, यहीं भी हूँ, कम कम मत। सॉरी इसको मार के गलती कर लिया। वी गो। नहीं नहीं अभी एक एक बार और गुरिल्ला मार रहा है। तू क्या कर रहा है यार तू? हम सेम टीम ब्रदर, सेम टीम। यू माई ओके आ गया। अटैक गुरिल्ला कमिंग, अटैक। एले अपुन मारिंग। वूहू 43। ओके नो नो नो, ये क्या लिख रहा है? नो नो नो, क्या हो गया? की हो गई, की हो गई। इसकी बात मान लेते हैं गाइस, क्योंकि अगर इसकी बात नहीं मानेंगे ना तो जो हाल इसने गोरिल्ला का किया वो मेरा भी कर देगा। 43। हाँ भाई अभी क्या बोलना सर जी? आप हमारे अंदाता हो गेम के अंदर, कम। हाँ लेट्स गो। कितने लेके जा रहा है मेरे को यार ये? पीछे पीछे, हेलो चचू, हेलो। हाँ हेलो, यार ये खुद तो छलांगे मार के जा रहा है यार, मेरे को पानी के रास्ते से तैर के आना पड़ रहा है यार, ये गलत बात है यार ये। भाई 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 क्या क्या पावरे मार रहा है यार ये वाला तो। भाई म्यूजिक वगैरह पूरा गेम पे इन लोगों ने चेंज करके रखा हुआ है। कहाँ पर लेके जा रहा है? पानी के अंदर डुबाने की कोशिश नहीं कर रहा मेरे को। आई थिंक वो जेल बनाया क्या सामने? मेरी थोड़ी बहुत जो है एनर्जी रीजन होने दो ना, फिर मैं भी ऐसे छलांगे मार के जा सकता हूँ। Let's go. भाई गेम बहुत ज़्यादा मस्त है यार, लाइक लेजिट ना। इस गेम के अंदर तीन चार बंदे हो ना, लाइक लॉगी ऑब्वियसली आई डोंट थिंक ये गेम खेलता होगा, बट गेम के अंदर मैं बता रहा हूँ तीन चार बंदे हो ना भाई, मैं बता रहा हूँ एकदम से वन ऑफ द बेस्ट गेम मेरी जो है ये बन सकती है। अभी जाना कितने है? ओ भाई नए आइलैंड के ऊपर आ चुके हैं यार, ये मरवाएगा मेरे को लगता है, या तो मरवाएगा या तो खतरनाक लेवल एक्सपी वगैरह मेरे को पूरा दे के जाएगा। ये ऊपर करना क्या है यार? ये बर्फीले इस आइलैंड के ऊपर हम आ चुके हैं। ओ ये मेरे लिए बंदूक की। ओ माय गॉड चाचू, मैं उस लेवल तक। भाई उनकी हेल्थ देख तू, मामा वो हिले भी नहीं। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे को पिटवाने के लिए यहां पर लेके आया है? यूज माई बोर्ड। आ रहा हूं, मेरी जान आ रहा हूं, टेंशन नॉट। कम, कमिंग माई फ्रेंड, बिग बिग बॉय कमिंग। आ रहा हूं, दे। लेवल 43 हाउस आइकॉन, ये किससे बात कर रहा है? I don't think ये मुझसे बात कर रहा है। ओके, तो आई थिंक ये मेरी हेल्प करने के लिए गाइस बंदों की हेल्थ कम कर रहा है, और मैं जाके उनको मार सकता हूं, और उससे क्या होगा मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपी वगैरह मिलेगा। अबे दो बंदे लड़ रहे हैं यहां पर। यो माय गॉड, ओ भाई क्या लेवल बढ़ रहा है यार यहां पर तो। नाइस 43 पर। अच्छा मार रहा नहीं, सोचा नहीं बनना। ओके ब्रो उससे बात कर रहा ब्रो, चिल। ओके टीम, पूरी टीम बन रही है यहां पर। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया, इसको पहले मारो यार, पहले इसको समझाओ। लेवल 44, किल मी। ओके आई कैन डू दैट। भाई वो इतना खतरनाक। अच्छा पीएपी सेटिंग से बंद है, हैंग ऑन सेकंड, मेरे को सबसे पहले जाके सेटिंग से पीएपी ऑन करनी पड़ेगी, फिर क्या मैं इसको मार सकता हूँ ना? डिसेबल फॉर 15 मिनट्स, एनेबल बैक इन सेटिंग, एनेबल पीवीपी, मैंने कर तो दिया। आई डोंट नो गाइस, ओ माय गॉड,
ठंड रख यार, मेरे को ही मारन दे। हेल्थ कम कर, हेल्थ कम कर, बाकी मैं देख लूंगा। मेरी बारी थी, मैं लेवल 44 पर ही अटका हूं यार। मैं उसको बोल देता हूँ कि मैं फिलहाल जो है लेवल 44 पे हूँ, और अभी आगे क्या करना है मेरे को बता तू यार। लेकिन बंदा भाई बहुत नेक बंदा यार, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरी यार ये तो। ओ माय गॉड, ये स्नोमैन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हैं। मैं उसके पास ही रहता हूँ यार। ये रे 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 रे, ओ माय गॉड भाई, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरी यार ये वाला बंदा तो। यार एक सब्सक्राइब बनता है इस बंदे के लिए यार। वन सब्सक्राइब एंड वन लाइक फॉर आवर बॉक्सर बॉय। आई बंदा बहुत ज्यादा सही है यार। कम कमिंग 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 मेरे भाई, कमिंग। इधर ही हूँ चाचू, इधर ही हूँ। वी गो, हाँ लेट्स गो। मैं भी यही सोच रहा था। वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। भाई 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 भाई, हे भगवान, हे भगवान, ऐसी पावर से बचाए भाई। क्या उड़ के गया वो? ए भाई रुक जा, मेरे पास इतनी खतरनाक। अच्छा वापस जा रहा है ये वापस मेरे को गोरिल्ला आइलैंड के ऊपर लेके जा रहा है। तो बेसिकली इसने सोच के रखा हुआ कि इसके बस की बात नहीं है ये वाला आइलैंड। मैंने तेरे को वही बोला था कि भाई ये वाला आइलैंड अपने बस की बात नहीं है ब्रो। आई थिंक गाइस, अगर मैं सिर्फ 4 बारी गोरिल्ला जी को मारूंगा तो मैं 50 तक पहुंच सकता हूं। और ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है गाइस। और दूसरी बात गाइस, ना पता क्या चक्कर है, आपको तो याद होगा कि मेरे घर के अंदर कुछ ना कुछ चूहा वगैरह कुछ ना कुछ घुसा हुआ है, और उसको पकड़ने की जो है बहुत खतरनाक लेवल की वीडियो आने वाली है। आई थिंक सैटरडे आएगी। आज जो आप वीडियो देख रहे हो तो आज है ट्यूसडे, तो वो वीडियो आएगी सैटरडे को। भाई बहुत ओपी वीडियो होने वाली है। मैंने पूरी किट मंगा कर रखी है चूहे पकड़ने की, खतरनाक है। अब वंस अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि वो क्या चूहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बिस्किट्स ब्रेड खा रहा है ना, आपने आई थिंक जो जिन बंदों को नहीं पता वो शायद सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली गाइस, मैं स्ट्रीम कर रहा था, 10-10 घंटे की मेरी स्ट्रीम थी, 3 दिन मेरे को करनी थी, तो 24 घंटे मेरे को टोटल कंप्लीट करने थे 3 दिन के अंदर। तो उस स्ट्रीम के दौरान जब मैं नीचे जाता था किचन के अंदर, तो मेरा कोई ब्रेड गायब है, कहीं मेरे बिस्किट्स गायब हैं। 3 मोर, तो मेरे कभी बिस्किट्स गायब होते थे। और मेरे को लाइक कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बंदे बोलते थे कि पॉसिबली चूहा हो सकता है, लेकिन मेरे को शक है कि चूहा नहीं है ये, लाइक चूहा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सफाई से वो बिस्किट्स खा रहा है ना, लाइक एकदम क्लीन, लाइक बिस्किट्स खाते समय उसके जो क्रम्स, बिस्किट क्रम्स होते हैं तो वो गिर जाते हैं यहाँ वहाँ। लाइक अगर ब्रेड खाओगे तो उसके जो चूरा वगैरह होते हैं ना, छोटे मोटे दाने वगैरह, यहाँ पर गिर जाते हैं, लेकिन लेजिट कुछ नहीं है, एकदम साफ। मेरे को एक टाइम पे ऐसा भी लगा था कि पॉसिबली मेरे घर के अंदर कोई है जो चुपके चुपके रह रहा है और मेरे को पता भी नहीं है। तो गाइस, मेरा घर जैसे मैंने बताया ना, इसकी वीडियो भी आने वाली है कुछ दिनों में, स्पेन के व्लॉग के बाद। जो फिलहाल हमारी स्पेन की सीरीज चल रही है मेरे चूरन चैनल के ऊपर, अगर आप व्लॉग्स देखते हो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो स्पेन के जब व्लॉग्स ख़त्म हो जाएंगे ना, तब मैं अपने घर का टूर करूँगा। मेरा घर बहुत बड़ा है मेरे लिए, एक बंदे के लिए बहुत बड़ा है, मैं कह रहता हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे को लगा था कि मे बी मेरे घर के अंदर कोई है, और मेरे को पता भी नहीं है। दिस इज़ लाइक स्केरी। कुछ बंदों ने बोला कि वो, मैं कहानी बता रहा हूँ, तो कुछ बंदे ने मेरे को बोला कि पॉसिबली लॉगी हो सकता है, बिस्किट्स खा रहा चोरी छुपे। लेकिन मैंने उससे पूछा कि लॉगी तू है करण? नहीं। तो यह अब की बारी उसको पकड़ना है ब्रो। और वो वीडियो ना मेरे को कंटिन्यू करनी थी आज, लेकिन आज वंस अगेन हमेशा की तरह यार, मैं को क्या है बताऊं, यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश खत्म नहीं होती। तो अगर धूप वाला मौसम होगा तो मैं अच्छे से दिखा सकता हूँ, अच्छी रोशनी भी आएगी, तो अच्छा वीडियो, अच्छी वीडियो हो जाएगी। ब्र, क्या है तेरे को? गोरिल्ला नॉट कमिंग ब्रो, माय मिस्टेक, नो गोरिल्ला कम, बैंग बैंग, बिशुम बिशुम, आगे आगे, अटैक अटैक, फायर, गोरिल्ला कमिंग। अबे टाइपिंग बंद कर, नहीं तूने मार दिया उसको गोरिल्ला को। वन मोर ब्रो, वन मोर, कम ऑन मेरी जॉन, वन मोर, लेट्स गो, वी गॉट दिस,
ब्रो एक सब्सक्राइब इस बंदे के लिए भाई डेफिनेटली बनता है यार, डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रहा है इसने मेरी, बहुत खींचते मेरी, बहुत हेल्प कर ली इसने मेरी यार, ओ माय गॉड। और आपने ना गाइस एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपने ना मेरे को बताना है कि मैं ये स्टैट्स कहाँ पर लगाऊँ, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना। ये क्या लिखा है ब्रो, सो हैप्पी व्हाट कॉन्टैक्ट लेवल, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पता नहीं क्या लिख रहा है यार, आई डोंट नो ब्रायन सो हैप्पी, आर यू हैप्पी, व्हाट कॉन्टेंट लेवल अप ब्रो, नो आइडिया कि क्या लिख रहा है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है और मेरे को गैस भी नहीं करना, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही बारी और गुरेला मारना है एंड आई एम डन, यू नो फिर ना मेरे को वो अपना फ्रूट लेने का मौका मिल जाएगा। बस अभी यहाँ पर शांति से वेट करते हैं, और तू भी प्लीज़ उछलियो मत और ज़्यादा ऐसे तलवारबाजी नहीं करनी, क्योंकि मेरे को गुरेला मारना है, और जैसे मैं गुरेला मारूंगा मेरे को आखिरी वाला जो लेवल चाहिए फ्रूट लेने के लिए मेरे को वो भी मिल जाएगा, और मेरा मास्टरी भी, आई एम लेवल 510। वाओ ये तो मेरे को जला रहा है अब, यू नो ये देखो हमारे जो फ्रेंडशिप है ना उसमें ये तू डिवीजन डाल रहा है अब, ये बोल के ओए ओए, हाँ तो ये बात बोल के अपनी फ्रेंडशिप में जो है डिवीजन डाल रहा है, ये गलत बात है, ये इट्स ओके, सॉरी बोल रहा है, इट्स ओके। तो ये तेरे को जरूरी बोलना था कि मैं लेवल 510 पे हूँ, मेरे को पता था कि ये हाई लेवल पे होगा, 80-90 तो ईजी होगा, लेकिन 500 लेवल 50, थैंक यू सो मच। हाई हाई हाई, अभी हम जाके ना अपना फ्रूट खोल सकते हैं भाई, मेरे को ये जानना है कि मेरे को पहला फ्रूट कौन सा मिलेगा, और मैं अगर मैं पैसों की तरफ देखूँ ना तो मेरे पास आ चुके हैं 43,000। आगे आगे पहले ही खड़ा है, इसको पहले ही पता था मैं कहाँ पर जा रहा हूँ मैं, ओके लेट्स गो। तो अगर मैं अंकल जी के ऊपर क्लिक करूँ ना तो ये पता नहीं क्या नाम है इसका यार, तो खतरनाक वाले नाम है, यू करंटली हैव 43,000, यू आर लेवल 50, सो योर नेक्स्ट फ्रूट यू परचेज इज गोना कॉस्ट यू 32,000। Would you like to buy a random fruit? Buy. मैंने ले लिया। You, I got diamond fruit. मेरे को diamond fruit, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है? अपने पूरी बातें अपने भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ। इसको खाना है क्या? मेरे को नहीं पता। Do I eat it? No. खाना नहीं है, खाना नहीं है। गलती से भी नहीं खाना भाई। कौन diamond कौन खाता है? Diamond fruit is good for you because you have little level. बेस्ती कर रहा है, तेरी यही सजा है, तेरा लेवल बहुत छोटा है लेकिन डायमंड फ्रूट इज गुड। ओके तो ये बंदा बोल रहा है कि आपने फ्रूट को स्टोर करना है, ओके द फ्रूट इज स्टोर, तो गाइस मेरा फ्रूट यहाँ पर स्टोर हो चुका है, मेरे को नहीं पता गाइस इस फ्रूट का क्या करना है, तो आपने ये कॉमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बताना है कि मैं इस फ्रूट का आखिरकार करूँ क्या, और ऑन टॉप आपने मेरे को ये भी बताना है कि मैं इन ये जो स्टैट्स मेरे पास आ चुके हैं ये मैं कहाँ पर इस्तेमाल करूँ। आई बिलीव डिफेंस और ये सोर्ड कीपर ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन आपने मेरे को पूरा बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ आगे। तो गाइज मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मैंने 2 घंटे की वीडियो बना दी, इतनी ज़्यादा मेरे को पसंद आ रही है ये। How you get that? Please, I don't know. पता नहीं क्या। How you got that? Please help me. मेरे को नहीं पता। Maybe मेरा शायद luck बहुत ज़्यादा मस्त होगा। और on the top, big shout out to my man. इसने बहुत ज़्यादा help करी। और guys, अगर आपको इसकी और videos चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, तो मेरे comment section के अंदर ये भी बताना। और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी लंबी video बनाते हैं। जैसे ये वाली video बननी है ना, तो लंबी video में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए guys, इस लंबी वाली video में इतना काफ़ी है। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली video में। Till then, take care everyone and bye bye।